तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपसे रिटर्न फाइल करते हुए कुछ मिस्टेक हो गई है और आपने रिटर्न भी अपलोड कर दी, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि आपने कोई इनकम गलत दिखाई या फिर कोई भी डिटेल्स गलत शो हो गई है आपसे, तो उस केस में जो है आप उस रिटर्न को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब आपको रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी, आपकी जो रिटर्न है वो ओरिजिनल रिटर्न से ही फाइल्ड होगी। तो चलिए वीडियो में पूरा का पूरा इन डेप्थ करेंगे डिस्कस, तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हो कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो यहाँ पर मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया है, www.incometax.gov.in। तो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन करना है। लॉगिन और रजिस्टर का मेरे पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगी। लॉगिन करके जो मेरा जो पेज है वो ये ओपन होकर आएगा। यहाँ पर मुझसे यूजर और पासवर्ड की डिमांड की जाएगी, वो मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो पेज है ये ओपन होकर आएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है, ई फाइल में जाना है। ई फाइल में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, मुझे उस पे जाना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मुझे जाना है थर्ड ऑप्शन पे, ई वेरीफाई रिटर्न, उसको करना है मुझे क्लिक। वेरीफाई, यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है ई वेरीफाई डिस्कार्ड रिटर्न। तो यहाँ पर पहले क्या आता था, सिर्फ ई वेरीफाई का ऑप्शन आता था, अब जो एड ऑन हुआ है वो डिस्कार्ड वाला ऑप्शन भी एड ऑन हो गया। तो इसके अंदर देखो क्या डिटेल आती है, वो आपने जो रिटर्न है वो सबमिट तो कर दी, लेकिन अभी तक ई वेरीफाई उसकी पेंडिंग है, तो उसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक नई फैसिलिटी दी है कि आपने जो रिटर्न सबमिट तो कर दी लेकिन उसकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उस रिटर्न को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, एक न्यू फ्रेश रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है रिटर्न फाइल करने के बाद कि आपने कुछ रिटर्न में गलतियां कर दिया लेकिन अभी तक आपकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो ईजिली आप उसको डिस्कार्ड करके एक नई फ्रेश रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये कैसे इसका बेनिफिट अवेल करना है, कौन कौन इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, कौन से असेसमेंट ईयर से स्टार्ट है ये, तो वो सारा का सारा हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस इसका समझते हैं हम। Card return FAQs. I filed my original ITR under section 139(1) on 30th July 2023, but not yet verified. Can I discard it? मैंने 30 July को return फाइल की और अभी तक मैंने e-verify नहीं कराई हूँ इसे, तो क्या मैं डिस्कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ? यस, यूजर अवेल कर सकता है ये ऑप्शन। अगर उसने रिटर्न जो फाइल की हुए अंडर सेक्शन 139(1), 4, 5, if they don't want to verify, अगर वो नहीं चाहता उसको verify करना, user is provided a facility to file a fresh ITR after discarding the previous unverified return. User को fresh ITR fill file करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसने जो बाद subsequent जो return है वो file की है due date के बाद, तो उसके ऊपर जो implication है belated return की, that is section 234F में जो भी fees है वो उसको pay करनी पड़ेगी। Thus, it is advised to check whether the due date for filing the return under section 139(5) is available or not before discarding previously filed return. That अगर एसएससी ने आईटीआर फाइल कर दी लेकिन अभी तक उसने वेरिफिकेशन नहीं कराई, तो वो डिस्कार्ड ऑप्शन वाला सिलेक्ट करता है, और उसके बाद जो उसने फ्रेश रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो उस केस में सेक्शन 234F में जो फीस पे करनी पड़ती थी वो उसे पे करनी पड़ेगी। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम ऑप्शन सिलेक्ट करें, क्योंकि 234F वाली जो पेनल्टीज है, फीस है, वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। I discard my ITR by mistake. Is it possible to reverse it? मैंने by mistake से discard कर ली, तो मैं क्या उसे reverse कर सकता हूँ? नहीं, reverse करने की possibility नहीं है. No, if ITR is discarded once, it can't be reversed. तो if an ITR is discarded, it means that such ITR is not filed at all. ITR आपने फाइल ही नहीं की थी, तो reverse वाला option available नहीं है. तो बहुत ध्यान से इस option को select करना है, आप इसको reverse नहीं कर सकते. Where can I find discard option? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है, लॉगिन करना है, फिर ई फाइल में जाना है, ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, ई वेरीफाई आईटीआर और देन डिस्कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको चूज बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है आपको।
इज इट मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट आईटीआर इफ आई डिस्कार्डेड माय प्रीवियस अनवेरिफाइड आईटीआर अ यूजर हु हैज अपलोडेड द रिटर्न डाटा अर्लियर बट हैज मेड यूज ऑफ फैसिलिटी टू डिस्कार्ड सच अनवेरिफाइड रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू फाइल सब्सिक्वेंट एन आईटीआर लेटर। देखो अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद आपने डिस्कार्ड कर दिया और आपको लगता है कि मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी तो मैं क्यों फाइल करूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद आपने डिस्कार्ड कर दिया तो उसके बाद आपको जो फ्रेश आईटीआर वो फाइल करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपने अगर पहले जो रिटर्न फाइल की थी मतलब कि आप लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, as it is expected that he is liable to file return of income by way of his earlier action. Earlier action मतलब जो उसने return पहले file की थी, तो मतलब आप liable हो return file करने के लिए। I send my ITR V to CPC and it is in transit and not yet reached CPC. But I don't want to verify the ITR as I get to know the details are not reported correctly. लेकिन मैं अब देखो इस केस में क्या है कि आपने ITR जो है वो सीपीसी को भेज दी लेकिन जो अभी आईटीआर है वो रास्ते में और आपको बाद में पता लगता है कि जो डिटेल्स आपने आईटीआर में डाले हैं वो सही से नहीं डाली, तो क्या मैं आप डिस्कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते। इसमें आप नहीं ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते। यूजर शेल नॉट डिस्कार्ड सच रिटर्न वेयर द आईटीआर वी हैज बीन ऑलरेडी बीन सेंड टू सीपीसी, देयर इज एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट बिफोर डिस्कार्डिंग द रिटर्न। तो अगर आपने सीपीसी को अपनी रिटर्न बाय पोस्ट भेजना चाहा और आपने भेज दी लेकिन उसके बाद भेजने के बाद आपको लग रहा है कि आपने जो रिटर्न में ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं दी, करेक्ट नहीं रिपोर्ट की और उसके लेकिन और उसके बाद आप डिस्कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। एक बार आपने रिटर्न भेज दी तो वो फिर डिस्कार्ड वाला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा क्लोज। When can I avail discard option? Can I avail the discard option multiple times or only once? क्या मैं discard का option बहुत बार मल्टीपल टाइम्स अवेल कर सकता हूँ? यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली इफ आईटीआर स्टेटस इज अनवेरिफाइड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग दिस ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स, प्री कंडीशन इज आईटीआर स्टेटस इज अनवेरिफाइड और पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। देखो बेसिकली जो आप है वो इजिली अवेल कर सकते हो कितने भी टाइम डिस्कार्ड वाला ऑप्शन, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको स्टेटस में दिखना तो चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी ई वेरीफाइड डिस्कार्ड रिटर्न वाले में आपको मेंशन तो होना चाहिए कि जो रिटर्न है वो आपकी पेंडिंग है या ई वेरिफिकेशन के लिए। तो आप कितनी भी बार उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन जो है स्टेटस में आपका शो होना चाहिए। My ITR file for assessment year 2022-23 is pending for verification. Can I avail this discard option? मेरी जो ITR फाइल की गई है मैंने असेसमेंट ईयर 2023-23 की वो पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, क्या मैं डिस्कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ? तो नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स, इसी साल से स्टार्ट हुआ है ये डिस्कार्ड वाला ऑप्शन। For the respective ITR, the option will be available only till the time limit specified for filing ITR under section 139(1), 139(4), 139(5). That is the December of respective assessment year as of now. So assessment year 23-24 से ही ये facility जो है start हुई है, उससे पहले वाली year में ये facility हम नहीं avail कर सकते। I discarded my original ITR filed on 30th July 2023 on 21st August 2023 and I want to file subsequent ITR on 22nd August 2023, which section should I select? मैंने 21st अगस्त को वो ओरिजिनल ITR जो मैंने फाइल की थी 30th जुलाई को वो मैंने कर दी डिस्कार्ड और मैं चाहता हूँ कि मैं 20th अगस्त को सब्सिक्वेंट जो ITR है वो फाइल करूँ, तो मुझे किस सेक्शन में भरनी पड़ेगी? इफ यूजर डिस्कार्ड द ओरिजिनल ITR फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर विच द ड्यू डेट 139(1) इज ओवर, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल सिलेक्ट 139(4). तो उसको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? अगर उसकी जो ड्यू डेट है वो खत्म हो गई तो सिलेक्ट करेगा ऑप्शन 139(4), एज देर इज नो प्रायर वैलिड रिटर्न एग्जिट डेट ऑफ ओरिजिनल आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ ओरिजिनल आईटीआर फील्ड आर नॉट एप्लीकेबल। तो आप पे जो ओरिजिनल आईटीआर और एक्नॉलेजमेंट नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने डिस्कार्ड रिटर्न कर दिया और उसके बाद आप फ्रेश रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं। Further, if user want to file revised return in future, अगर वो 22nd August को उसने return भर दी, उसके बाद वो बाद में वो September October में उसको फिर से revised return भरनी है, तो उस case में जो उसको original filing date और acknowledgement number देना है, वो कब की देनी है? जो उसने 22nd August को जो return file की, clear?
होपफुली आपको ये डिस्कार्ड रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो समझ आया होगा। अगर आपसे इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की जीएसटी सोशल डेवलपमेंट जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू। Thank you.